बरसों की गुमनामियां जाने कहां लापता है, क्योंकि अब मेरा भी एक घर है, मेरा भी एक पता है। किसी कच्चे या किराए के मकान में जिंदगी बसर करने वाले करोड़ों लोगों की बस यही एक ख्वाहिश होती है कि उनका भी अपना एक आशियाना हो। करोड़ों भारतीयों के अपने घर के सपने को साकार करने का विराट संकल्प लिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में गुजरात सरकार के शहरी विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2110 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एवं निर्माणाधीन 41,070 आवासों के लोकार्पण और शिलान्यास का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत गुजरात की विभिन्न महानगर पालिकाओं और शहरी विकास प्राधिकरणों की ओर से राज्य के 8 महानगरों एवं अन्य जिलों में 733 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 8,907 आवासों तथा गुजरात हाउसिंग बोर्ड द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत से बने 1,560 आवासों का लोकार्पण संपन्न होगा। ये आवास ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, पानी, बिजली, रसोई गैस और गटर लाइन जैसे मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। मानव जीवन की सुरक्षा की संवेदनशीलता के साथ इन भूकंप प्रतिरोधी आवासों का निर्माण किया गया है। विट्रिफाइड टाइल्स फ्लोरिंग, रसोई घर में कोटा स्टोन, लिफ्ट, आरसीसी पथ, पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान और पेवर ब्लॉक जैसी आधुनिक सुविधाएं यहां के निवासियों को एक आरामदायक जीवन की अनुभूति कराएंगी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 27,604 लाभार्थियों को आवास निर्माण या नवीनीकरण के लिए 966 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 11 स्थानों पर 311 करोड़ रुपए की लागत से 2,999 आवासों का शिलान्यास किया जाएगा। इन आवासों के जरिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की आकांक्षाएं होंगी पूरी और निश्चित होगा जीवन खुद के आशियाने की खुशियों से। अब ना करनी पड़ेगी छत की तलाश, सरकार ने दिया है स्मार्ट आवास, अब उनका भी होगा एक अपना घर, एक निश्चित पता।